गुड मॉर्निंग अगेन. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड वेव पार्ट वन डील किया हुआ था. उसमें बेसिकली मैंने आपको डिटेल में मतलब प्रेशर वेव, डेंसिटी वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, इसके बारे में बताया था. याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज इसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होती है एनर्जी प्रोपोगेशन के, जिसके कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि हाउ कॉम्प्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस आर गेटिंग फॉर्म, राइट. दैट वाज द मेजर चैलेंज दैट वी आर हैविंग इन लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस ही समझें, और उसको इस तरीके से समझे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. अगर मैं क्विक रिकैप करूं, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p नॉट sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस पाई बाय 2, एंड डेल्टा रो इक्वल टू डेल्टा रो नॉट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस पाई बाय 2, इफ यू रिकॉलेक्ट, राइट. तो बेसिकली हम लोगों के पास ये जो इक्वेशंस थे, इस इक्वेशन से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं. एक वैरायटी ऑफ सवाल ये आ जाएगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे प्रेशर वेव की इक्वेशन पूछ लेगी, या प्रेशर वेव की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन पूछ ली जाएगी. तो यहाँ पे इस टाइप के इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ये जनरली वेव्स में थोड़ा अनटच्ड रहता है और बच्चों को उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, तो मैंने आपको वो क्लैरिटी यहाँ पे देने की कोशिश की है, ठीक है. अब आइए, जैसे बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, वहां पे हम लोग थे बेसिकली. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है दैट वाज कमिंग एज अंडर रूट ऑफ वी बाय रो, और मैंने आपको लैपलेस करेक्शन एंड ये क्या बोलते हैं न्यूटन्स मेथड दोनों बताया था, और न्यूटन्स मेथड का इंपॉर्टेंस बताया था कि क्यों वो गलत होने के बावजूद भी हम पढ़ते हैं, राइट. So we are having velocity of the sound in air is given by root of v by rho. Now basically, जो correct formula था that was given by Laplace, और Laplace ने ये बताया था कि जो compression और rarefaction की propagation होती है through the medium, it takes place so fast that there is no time for heat exchange between the compressions and rarefactions and the surrounding, or between a compression and a rarefaction, right? तो ये जब नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने dq equal to 0 लिया था. dq equal to 0 एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन है. dq equal to 0 का कोरेस्पोंडिंग अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखने जाएं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, इट वाज pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट किया और लैपलेस करेक्शन बाद अपने को समझ में आया कि ये जो v है, दिस v वाज इक्वल टू गामा p, इफ यू रिकॉलेक्ट, ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मैं कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको फील दूंगा, ध्यान से सुनना. तो ये जो फॉर्मूला है ये कराने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल और ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं. इसमें जो मेजर पॉइंट्स होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. सपोज मैं आपको बोलूं कि गामा पी बाय रो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो जो है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा P by rho. अगर आपको याद होगा PV equal to nRT formula से हम लोगों ने डेटा को किस तरीके से रीअरेंज करके P by rho को RT by M लिखा था, if you recollect. तो velocity of the sound in air will become under root of gamma RT by M. यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो M होगा, it should be इन द फॉर्मेट ऑफ, या फिर इसकी यूनिट जो होगी वो केजी पर मोल में होगी. ये एक बहुत सिंपल एरर है जो बच्चा करता है और बहुत काफी ज्यादा रिकरेंट एरर है. तो इसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने थर्मोडायनामिक्स के वक्त भी स्ट्रेस किया था इन वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल एंड वी एवरेज के कॉन्सेप्ट में. अभी भी मैं आपके सामने ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जब वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर या फिर किसी अदर गैस में आप निकालने जाओ, तो अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम में ये जो एम है ये मॉलिक्यूलर मास है, बट इस मॉलिक्यूलर मास को लिखना है केजी पर मोल में, आप इसे ग्राम पर मोल में नहीं लिखोगे, ठीक है. अब आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स से पता है कि गामा जो है
बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पता है आपको कि जो गामा है, दिस गामा इज गिवन बाय, व्हाट इज द फॉर्मूला, गामा सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, तो दिस इज इक्वल टू 1+2 बाय एफ इफ यू रिकलेक्ट इट, वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस, राइट। कुछ कुछ चीजें थर्मोडायनामिक्स से आ जाएंगी, तो आपको वो चीजें अभी एकदम कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए, राइट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से। याद है आपको गामा इक्वल टू 1+2 बाय एफ आता था, तो एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ करते थे, मोनो डाया ट्राया, नॉर्मल कंडीशंस, एलिवेटेड कंडीशंस और सब टेम्परेचर्स पे हम लोगों ने गामा की वैल्यूज निकाली थी, इफ यू रिकलेक्ट, ठीक है। तो जनरली अगर कुछ प्रोवाइडेड ना हो तो नॉर्मल कंडीशंस मानेंगे, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आपको एसआई यूनिट में रखनी है, टी की वैल्यू आपको केल्विन में रखना है, टी की जो वैल्यू है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टी की वैल्यू आपको केल्विन में रखना है, टी शुड बी इन केल्विन, आप टी को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रख सकते, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रखा फिर से गलती हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ अच्छे सवाल कैसे बनते हैं देखिए, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम, वेयर एम इज द मॉलिक्यूलर मास, यू नो दिस, राइट। अब ये टेम्परेचर केल्विन में है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है कितना लें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया, ये हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 27 से जब 37 हुआ टेम्परेचर इनिशियल से टेम्परेचर फाइनल, what is the change in velocity of sound in air when the temperature increases from 27 to 37? तो इसको करने का basic method, बच्चा अगर careless रहे examination में तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले velocity of the sound in air निकालेगा at a temperature of 27 degree centigrade, उसको Kelvin में change करेगा, तो 273 plus 27 will become 300 Kelvin, तो वो 300 केल्विन में टेम्परेचर निकालेगा, सॉरी वेलोसिटी निकालेगा, एंड विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी, विच इज 300 केल्विन लेगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कोई भी पर्टिकुलर गैस ले रहे हो तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मास होगा, एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एट 273 प्लस 37 विच इज 310 केल्विन, so 310 केल्विन पे अगर हम लेते हैं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ गामा आर, टेम्परेचर 273 प्लस 37 करेंगे, इट विल बी 310 बाय एम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इसको एक बार अपने कॉपी में नोट करें प्लीज, take out your copies and note it down please fast। ओके अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए चेंज, तो चेंज हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड 310 केल्विन पे और वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 केल्विन पे, दोनों का डिफरेंस। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालने जाओगे तो आपको अंडर रूट ऑफ 310 माइनस 300 लेना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली इस सवाल को फिर सॉल्व कैसे किया जाए, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए अगर मैं 27 37 देखूंगा, ठीक है, तो 27 से 37 अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, और ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस ओरिजिनल टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में उसके कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा है, 10 डिग्री एज कंपेयर टू द ओरिजिनल टेम्परेचर और द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज लाइक
10 डिग्री इज लाइक अराउंड 40-50%, राइट। लेकिन अगर हम इसे केल्विन में चेंज करें तो केल्विन में इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। सब लोग अपने कॉपी में इसे करोगे, ये बेसिक मैथ्स है और ये बार बार आता है और आपको इसमें 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। 310 केल्विन। अगर आप केल्विन में लोगे, अगर आप केल्विन में लोगे तो डिफरेंस जो 10 का है वो 300 केल्विन का कितना परसेंटेज है, सॉरी इट विल बी 10% विल बी 30, 1% विल बी 3, इट इज लाइक 3%। तो यहां पे आपको दिखेगा कि देयर इज अ स्कोप फॉर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, देयर इज अ स्कोप फॉर अप्रोक्सीमेशन। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को सॉल्व करना, वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट सम टेम्परेचर अगर पूछा जाए 310 केल्विन पे, तो एक हो जाएगा आपसे चेंज पूछ लेगा या फिर आपसे डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ द साउंड पूछेगा। सो दोनों सवालों को देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सॉरी आइए एक न्यू व्हाइट बोर्ड लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड ध्यान से देखिएगा, velocity of the sound at 310 Kelvin, it will be under root of, ध्यान से देखिएगा, gamma r 310 by m। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, under root gamma r 310 by m, ये आया। तो basically इसको how means how I would compare it with the velocity of the sound at 300 Kelvin। Velocity of the sound at 300 Kelvin. Compare करना मतलब आपको पता है कि आपको basically यहाँ पे divide ही करना पड़ेगा। Compare जब भी बोल दिया जाए तो we are talking about ratio. It is 300 by m. अगर आप ratio निकालोगे तो velocity of the sound at 300 Kelvin, 310 Kelvin, sorry, that will be equal to velocity of the sound at 300 Kelvin. और ये value जो आएगी it will be under root of 310 by 300. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, under root of 310 by 300 is 1 plus 10 by 300. और यहाँ पे आपको दिखेगा binomial approximation का scope, which is velocity of the sound at 300 Kelvin into 1 plus 10 by 600, क्योंकि आपको पता है कि 1 plus minus x to the power n जो है that will be approximately equal to 1 plus minus nx, yes or no, इसके बराबर होता है। लेकिन ये तभी possible होगा when x is very very small as compared to 1. आइडियली स्पीकिंग कितना, वेरी वेरी स्मॉल मतलब कितना, 10% या उससे नीचे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो 10% के नीचे है, so you can do that, right? I hope you understood this. ऐसे questions आते हैं। दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे एरर की जो एनालिसिस आपने की हुई है वो यूज होगा। कि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर आप देखोगे गामा आर और एम ये तो कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू रूट टी वेयर टेम्परेचर इज इन केल्विन। अभी अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो डी वी एस अपॉन डी टी, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट विल बी के हाफ बाई टू, हाफ t half minus 1 root t आ जाएगा, this is what you will get। तो आपसे अगर change in velocity पूछ ले dvs, this is the change in velocity which will be equal to k by 2 root t into dt। यहाँ पे dt कितना लिखोगे आप, dt will be 10 because difference हमने 300 और 310 केल्विन लिया था ना, so dt will be 10 और 2 रूट टी में टेम्परेचर कौन सा लोगे, ये टी इनिशियल टेम्परेचर वो कितना था 300 केल्विन, तो केल्विन में रखोगे 300 और के की वैल्यू आपको पता चल जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा आर बाय एम। तो उससे आपको चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यू विल गेट अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड कि कितना चेंज हुआ। तो ये जो मेथड है ये मेथड जनरली एग्जामिनर यूज नहीं करते हैं, ये मेथड
जनरली अभी जो मैंने आपको बताया है दिस इज जनरली यू नो एग्जामिनर इधर इधर वो फॉरगेट करता है या फिर वो उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती कि इसको कैसे करना है हैंडल कैसे करना है ये समझ नहीं आता इसलिए वो इसे छोड़ देता है पर आपको छोड़ना नहीं है आई होप यू अंडरस्टूड दिस तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अभी इसमें एक सेक्शन है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है तो जिन फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है उन फैक्टर्स की बात कर लेंगे हम लोग अगर आप वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड का फॉर्मूला जो है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो ऐसा लिख सकते हो आप या फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम ये दूसरा फॉर्मूला है तो यहाँ पे पहला जो है डिपेंडेंस ऑन प्रेशर प्रेशर के ऊपर क्या डिपेंडेंस है तो प्रेशर के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड का डिपेंडेंस क्या होगा अगर हमें प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस निकालने के लिए बोल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा क्या टेम्परेचर का रिलेशनशिप नोन है इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस तो इसके लिए मेरे पास दो लॉजिक स्ट्रक्चर चलेगा मेरे दिमाग में एक है क्या टेम्परेचर की वेरिएशन नोन है क्या टेम्परेचर वेरिएशन नोन है मतलब क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या घट रहा है व्हाटएवर इट इज क्या टेम्परेचर वेरिएशन नोन है पहला चीज और दूसरा टेम्परेचर वेरिएशन इज नॉट नोन टेम्परेचर वेरिएशन नॉट नोन दूसरा तो अगर टेम्परेचर वेरिएशन नोन है तो प्रेशर का रिलेशनशिप मैं बता सकता हूँ क्या होगा क्या नहीं प्रेशर बढ़ने से क्या होगा प्रेशर घटने से क्या होगा ये चीजें हमें डायरेक्टली देखनी है टेम्परेचर से ही इनफैक्ट मान लीजिए टेम्परेचर वेरिएशन नोन है टेम्परेचर वेरिएशन नोन है मतलब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर घट रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है तो आपको बोल देना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड घट रहा है क्योंकि टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्ट डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर है लेकिन जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो देर आर टू फैक्टर्स पी एंड रो एंड दे आर नॉट कॉन्स्टेंट दे आर वेरिएबल्स बिकॉज हम गैसेस की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरे फॉर्मूला में अंडर रूट गामा टी बाय एम में गामा आर और एम कांस्टेंट होने के कारण सिर्फ डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर है तो अगर टेम्परेचर वेरिएशन नोन है तो मैं बता सकता हूं कि प्रेशर के वेरिएशन के कारण क्या हो रहा है क्या नहीं सिर्फ मुझे टेम्परेचर वेरिएशन देखना मतलब सपोज मैं आपको बोल दूं कि प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग So what will be the effect on velocity of the sound? Velocity of sound will also increase. हमें सिर्फ temperature देखना है. अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे कमाल हुआ? ऐसा कमाल ऐसे हुआ बेटा जी कि आपको पता है from basic ideal gas equation मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. आपको पता है from basic ideal gas equation P by rho जो है ये RT by M के बराबर होता है. ध्यान से सुनिएगा. ये RT by M के बराबर होता है P by rho. तो P by rho अगर RT by M के बराबर होता है तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये है टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये है कि प्रेशर कुछ परसेंटेज से बढ़ा है अब डेंसिटी जो है डेंसिटी ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है घटने से कोई दिक्कत नहीं है घटने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर जनरल कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती है तो मैं ये दूसरा वाला केस जो ज्यादा प्रोबेबल नहीं है उसको मैं आपके सामने नहीं पुट कर रहा हूँ बट वो भी केस हो सकता है अगर मैथमेटिकली हम सोचे तो फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो नहीं होगा बट मैथमेटिकली अगर सोचेंगे तो पॉसिबल है तो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं और डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन प्रेशर के बढ़ने की जो रफ्तार है वो ज्यादा है और डेंसिटी के बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम है ये हो रहा होगा इसीलिए जब मैं बोलूं कि टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा अगर तो डेंसिटी भी बढ़ेगा लेकिन प्रेशर के बढ़ने की जो रफ्तार है वो डेंसिटी के बढ़ने की रफ्तार से कम होगी मतलब मान लो प्रेशर बढ़ा 10% से तो डेंसिटी बढ़ेगी एनी वैल्यू लेस देन 10% मान लो डेंसिटी बढ़ा 5% से तो
P final by rho final after increase in density and with pressure and density will be, ये P initial जो था उसके ऊपर आप 10% जोड़ोगे, सिंपल गणित कर रहा हूं मैं, परसेंटेज चैप्टर स्टैंडर्ड 8 या स्टैंडर्ड 7, डिवाइडेड बाई डेंसिटी इनिशियल कितना आएगा जी, आपको बताना है, 1 + 5/100। तो अगर आप देखोगे कि P इनिशियल बाय रो इनिशियल तो रहा, लेकिन 1 + 10/100 इज 110 और नीचे 105, क्या फ्रैक्शन जो है 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब P by rho की जो इनिशियल वैल्यू थी उससे ज्यादा हो गई ये वैल्यू, और P by rho की वैल्यू ज्यादा हो गई मतलब टेम्परेचर को बढ़ना है, या उल्टा देखो। तो हमेशा आपको डिसाइड करना है कि P बढ़ने से क्या होगा, सिर्फ P के बारे में बोला गया है मान लो और T के बारे में कुछ नहीं बोला गया। दिस इज वन एरिया व्हाई आई एम गिविंग इट मोर प्रायोरिटी। इस सेक्शन से सवाल आते हैं और बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। देखो अगर बोलूं मैं सिर्फ P के बारे में मुझे नॉलेज है, अगर मैं बोलूं मेरे को P के बारे में सिर्फ नॉलेज है, सपोज P इंक्रीजिंग, जस्ट आई एम सेइंग दैट इतना ही मुझे पता है, इतना ही मुझे पता है, आई नो जस्ट दिस दैट P इज इंक्रीजिंग, कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर कमेंट करो, माई आंसर विल बी सिंपल, कांट बी डिटरमाइंड क्या होने वाला है, आई विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होने वाला है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड की डिटरमिनेशन के लिए कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, किस चीज की इंफॉर्मेशन होना निहायत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर की पहला, दूसरा प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं आपको प्रेशर और डेंसिटी दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं तो दिक्कत नहीं है ना, तो मैं बता दूंगा आपको कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि P by rho is equal to RT by M, अगर प्रेशर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, मान लो मैं बोलूं प्रेशर घट रहा है और डेंसिटी भी घट रहा है, लेकिन डेंसिटी के घटने की रफ्तार एक केस में कम है और एक केस में प्रेशर से भी ज्यादा है, तो जिस केस में डेंसिटी के घटने की रफ्तार कम है और प्रेशर घट रही है, मान लो प्रेशर घट रही है 10% से और डेंसिटी घटी 5% से, तो आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, P इनिशियल बाय रो इनिशियल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, P इनिशियल बाय रो इनिशियल, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, मान लो 10% से घटा तो 1 - 10/100 मतलब 90/100 होगा। अरे सन्नाटो कुछ तो बोलो, क्या क्लैरिटी है ये, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी 10% और नीचे 5%, डेंसिटी इज नाउ रिड्यूसिंग बाय लेस वैल्यू, मैंने छोटा एरो दिखाया है, सो 5% से रिड्यूस हो रहा है, 5% रिड्यूस होगा मतलब क्या वो हो जाएगा 95/100, तो 95/100 होने के लिए 100 मर जाएगा, 90/95 करोगे तो आपको फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आती हुई दिखाई देगी ना, आपको फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम आती हुई दिखाई देगी ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको कम आती हुई दिखाई देगी, तो कम अगर आती हुई दिखाई देगी तो 5/18 = 95/90, इट्स अ वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब आपकी P by rho की वैल्यू घट गई, P by rho की वैल्यू घट गई मतलब टेम्परेचर को घटना है, टेम्परेचर को घटना है, तो इधर आपको टेम्परेचर का रिलेशनशिप दिया रहेगा या P एंड rho दोनों का रिलेशनशिप दिया रहेगा, दोनों का रिलेशनशिप मतलब दोनों में क्या चेंजेस हो रहे वो दिए रहेगा, अगर P एंड rho दोनों की चेंजेस आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, देन नो इश्यूज, देन नो वरीज, राइट, देन नो वरीज, लेकिन अगर सिर्फ आपको बोले कि भाई साहब मैं तो सिर्फ आपको डेंसिटी का चेंज दे रहा हूं, अभी आप ही बताओ कि यू नो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, तो सिर्फ डेंसिटी का चेंज जान के आप वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल सेक्शन। देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है, मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सवाल कम बनाओ, सिर्फ अपने कैलकुलेशंस के ऊपर मास्टरी रखो कि आप कोई भी सिली एरर नहीं कर रहे हो, और ये जो मैं नगेट्स आपको दे रहा हूँ ये ध्यान में रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ गया, समझ में आ गया, टेम्परेचर के ऊपर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा, और रिलेशनशिप कैसा है, अंडर रूट टी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको एक चर्चा भी कर दी कि अगर डिफरेंस जिस टेम्परेचर से राइज करा रहे हैं, अगर वो टेम्परेचर की राइज की जो डेल्टा है वो वेरी स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन, तो उस केस में आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो,
और उस केस में अगर चेंज पूछा जाए तो आप डिफ्रेंशिएशन करके भी कर सकते हो, इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने वो बताया है, राइट। तो आज का वीडियो अगर आप देखोगे तो ये चीजों के ऊपर हार्क करना, बिकॉज इसके ऊपर अच्छे सवाल बन सकते हैं जहां पे बच्चे को फॉक्स किया जा सकता है, ठीक है। ओके, टेम्परेचर पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, प्रेशर डेंसिटी पता चल गया, अब एक और चीज बचती है विच इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या रिलेशनशिप है, तो ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप जानने के लिए हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, डेंसिटी ह्यूमिड एयर की और डेंसिटी ड्राई एयर की। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर से यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। तो हमें ये देखा गया है, या हमने पाया है कि अपार्ट मीन्स अगेंस्ट द नॉर्मल लॉजिक डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। बहुत बच्चा सोचता है ह्यूमिड एयर मतलब ये वाटर वेपर आ गया, वाटर वेपर आ गया तो ज्यादा वेट हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, एंड बिकॉज डेंसिटी वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स रखूँ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू गामा आर टी बाई एम या गामा पी बाई रो, ठीक है। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। तो बेसिकली अगर मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इट विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, विल बी मोर देन यस, विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। I hope you got this, right? आपको ये समझ में आया है, ठीक है? So ये जो चीज मैंने अभी बताई है, this is an important concept, और ये आपको ध्यान में रखना है, because बहुत बार सवाल आता है velocity of sound के ऊपर, और velocity of sound different gases के combination के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। Gas अलग कर देगा, मतलब एक monoatomic, एक diatomic gas, और वहाँ पे velocity of sound का ratio पूछ लेगा। टेम्परेचर भी अलग अलग कर सकता है, तो कोई खास बात नहीं है अगर आपको ये बेसिक्स आपके सामने है। रेशियो के ऊपर तो बहुत सवाल है, मतलब भर भर के सवाल देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक, बट कुछ भी नया नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके साथ है तो, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट, इसके ऊपर मैंने आपको टोटली बताया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, हमने ट्रैवलिंग वेव की बात कर ली, साउंड वेव में ट्रैवलिंग वेव जो कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव, प्रेशर ट्रैवलिंग वेव, डेंसिटी ट्रैवलिंग वेव, तीनों वेव के बारे में बात कर ली। जो सवाल आने के चांसेस हैं वो कैसे सवाल आ सकते हैं, वो सवाल आएगी अगर डिस्प्लेसमेंट वेव दे दिया है तो प्रेशर वेव लिखो, प्रेशर वेव दे दिया है तो डिस्प्लेसमेंट वेव लिखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, मैं डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, जब हम प्रेशर वेव की बात करते हैं तो प्रेशर वेव इज गिवन बाय द रिलेशनशिप डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, which is the maximum value of pressure amplitude into sine of, if you remember this, sine of omega t minus kx plus pi by 2. You recollect? Omega t minus kx plus pi by 2. ये value आ रही थी मेरी displacement wave से pi by 2 का आगे था, pi by 2 phase आगे था। कौन? Pressure wave, pressure density, pressure wave, right? ये pressure wave का definition ही है या equation। तो ये जो डेल्टा पी नॉट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली डेल्टा पी नॉट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा और, बिकॉज इसके ऊपर सवाल आते हैं और बच्चे सवाल पूछते हैं। ये डेल्टा पी नॉट जो है, दिस इज नोन एज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, बट बेटर होगा टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, इसको आप एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड माने। तो एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो अगर आप देखोगे डेल्टा पी विच इज द चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये डेल्टा पी जो है, दिस इज द चेंज इन प्रेशर एट एनी लोकेशन व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू। तो ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी को क्या लिखेंगे हम लोग? दिस विल बी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस या माइनस
डेल्टा पी नॉट होगा ये, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए जब आपने प्रेशर वेव की इक्वेशन लिखी डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, समझिएगा इस बात को, तो आपको पता है बिकॉज ऑफ द साइनोसॉइडल नेचर ऑफ दिस टर्म, बिकॉज ऑफ द साइनोसॉइडल नेचर ऑफ दिस टर्म यू वुड सी दिस दैट डेल्टा पी एट टाइम्स इट कैन बी प्लस डेल्टा पी नॉट एंड अदर टाइम इट विल बी माइनस डेल्टा पी नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, कि दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, डेल्टा पी विल बी प्लस डेल्टा पी नॉट और माइनस डेल्टा पी नॉट, राइट। लेकिन आपको समझना है कि जो प्रेशर है एक्चुअल एयर प्रेशर है या एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये कभी नेगेटिव नहीं होता। एक्चुअल एयर प्रेशर जो है, जो मैंने P से रिप्रेजेंट किया है, दैट विल बी P नॉट, जब डेल्टा प्लस डेल्टा P नॉट की बात होगी इट विल बी P नॉट प्लस डेल्टा P नॉट, और जब माइनस डेल्टा P नॉट की बात होगी तो इट विल बी P नॉट माइनस डेल्टा P नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये वैल्यूज है एयर प्रेशर की, दैट इज P नॉट प्लस डेल्टा P नॉट और P नॉट माइनस डेल्टा P नॉट। लेकिन ये होने के बावजूद भी आपको ये बात समझनी है कि टोटल प्रेशर P जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, P कैन नेवर बी लेस देन जीरो, मतलब ये कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, मतलब आप नेगेटिव प्रेशर में चले गए, इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। P इज नेवर लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू P नॉट प्लस डेल्टा P नॉट या P नॉट माइनस डेल्टा P नॉट होगी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर बढ़ जाएगी बाय डेल्टा P नॉट, और ये जो जगह होगी इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्रेशन से, और ये जो P नॉट माइनस डेल्टा P नॉट है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेयरिफैक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, अच्छी बात बताई है मैंने आपको, दिस इज नोन एज रेयरिफैक्शन। तो समझने वाली बात है कि कॉम्प्रेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा होता है और रेयरिफैक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, लेकिन होने के बावजूद भी ये ज्यादा, ज्यादा तो छोड़ दो, ज्यादा तो ठीक है ज्यादा हो गया प्रेशर, लेकिन कम जो है ये कम डेल्टा पी नॉट से कम होने के बावजूद भी इस जगह की प्रेशर कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं हो सकती है। आपको ये बात समझनी है, क्या क्लैरिटी है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वाइट वेल, ठीक है। तो जो एयर प्रेशर व्हेन साउंड वेव प्रोपोगेट्स, एयर प्रेशर की वैल्यू किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होती है बाय डेल्टा पी नॉट, किसी जगह पे डेल्टा पी नॉट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा तो छोड़ दो, वो तो कंप्रेशन वाली जोन है, वो तो ज्यादा प्रेशर रहेगी रहेगी। कम वाले में बच्चे को कभी डाउट होता है कि सर कम हो गया मतलब क्या प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव हो गई, नेगेटिव वैल्यू हुई है डेल्टा पी नॉट, लेकिन प्रेशर नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेशर जो है उस टाइम पे वो पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट है जो पॉजिटिव ही है, इट इज नेवर जीरो, नेवर लेस देन जीरो। आई होप यू गॉट दिस, बट इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट द रेयरिफाइड जोन और रेयरिफैक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी आई है, आपको समझ में आया है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ और धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, बिकॉज आप अभी मेरे सामने भी नहीं बैठे हुए स्टैंडिंग वेव, तो मुझे एंश्योर करना पड़ेगा कि आपको एक ही बार में समझ में आए स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। इससे पहले हमने स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा हुआ है, तो अब स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसके बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इसकी दो कैटेगरी बनती है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और दूसरी होती है प्रेशर स्टैंडिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव एंड प्रेशर स्टैंडिंग वेव, दो वेव होती है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब हम ट्रांसवर्स वेव साउंड में बात करेंगे तो वी आर हैविंग टू फॉर्म्स ऑफ वेव, इनफैक्ट थ्री फॉर्म्स, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर एंड डेंसिटी।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी राइट तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव. और अगर हम प्रेशर के टर्म्स में ट्रैवलिंग वेव को लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में जो आपकी स्टैंडिंग वेव बनेगी दैट विल बी प्रेशर स्टैंडिंग वेव. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सवाल है कि ये स्टैंडिंग वेव जनरेट कैसे होती है. याद करो आपने स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव तब जनरेट किया था जब आपने एक ही स्ट्रिंग में दो डिफरेंट डायरेक्शन से वेव ट्रैवल कराए थे. एक ही स्ट्रिंग में दो डिफरेंट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे सुपर इम्पोज दे यूज्ड टू गिव यू व्हाट दे यूज्ड टू गिव यू स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स. वैसे ही स्टैंडिंग वेव अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में जनरेट करना है तो एक ही मीडियम में दो डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर वेव ट्रैवल करेंगे और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या जनरेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव एंड प्रेशर स्टैंडिंग वेव राइट. तो ये कॉन्सेप्ट है जैसे आपने स्ट्रिंग्स में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही होगा लेकिन यहाँ पे मतलब जो साउंड वेव जाएगी एक डायरेक्शन में जाएगी और दूसरे डायरेक्शन से दूसरी एक साउंड वेव आएगी. ये दोनों सुपर इम्पोज करने चाहिए लेकिन ये दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे अगेन बेसिक कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन साउंड विल बी दैट एक ही मीडियम में साउंड मतलब एयर मीडियम में दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट स्टैंड ट्रैवलिंग वेव या प्रेशर ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल करेंगी और सुपर इम्पोज करेंगी टू गिव स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. आपको अपने दिमाग में सेट क्या रखना है सुनिए. आपको अपने दिमाग में सेट रखना है कि स्ट्रिंग में कैसे होता था. स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग में दो वेव ट्रैवल करती थी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रिक्वेंसी की तभी तो उनके अंदर सुपर इम्पोजिशन होता था और हम स्टैंडिंग वेव मिलती थी. अब जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो इस केस में भी एक ही मीडियम यहाँ पे क्या है एयर या कोई गैस. उस मीडियम में दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव या प्रेशर ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी विद द सेम फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज करेंगी तो ये देंगी आपको डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव या प्रेशर स्टैंडिंग वेव. डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग. कंफ्यूज मत होना. एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये कॉन्सेप्ट है एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव या प्रेशर स्टैंडिंग वेव दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग. अब कॉन्सेप्ट क्या है समझ जाइए. आपको याद आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और प्रेशर स्टैंडिंग वेव. अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. जो बेसिक वाला केस था याद करो जो मैंने विजुअल आपको डायग्राम के तौर पे बताया था विदाउट यूज ऑफ एनी इक्वेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग. याद है आपको दो वेव दिखाए थे दोनों ओरिजिन से क्रॉस कर रहे थे एक जा रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक जा रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस सुपर इम्पोज कर रहा था तो आपका इक्वेशन आ रहा था 2a sin kx cos omega t. याद है आपको अगर मैं ट्रैवलिंग वेव्स इन स्ट्रिंग की बात करूं. अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा. डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव जनरल इक्वेशन ही मैं लिखूंगा स्पेशल इक्वेशन नहीं लिखूंगा. तो जनरल इक्वेशन होगी उसका इक्वेशन हो जाएगा 2a a की जगह पे यहां पे होगा s नॉट sin kx plus phi 1 sin omega 2 plus phi 2. I hope you are understanding this. ये आपका हो गया displacement standing wave का general equation. Change क्या हुआ? Change सिर्फ इतना हुआ कि जो आपकी amplitude थी वहां पे a उसकी जगह पे आपने s not replace कर दिया. I hope you understood this. बाकी सब कुछ वैसा कोई चेंज नहीं बाकी सब कुछ वैसा. क्या क्लैरिटी है ये? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव. तो डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव अगर ये है तो अब सवाल है कि व्हाट विल बी द प्रेशर स्टेशनरी वेव. प्रेशर स्टेशनरी वेव क्या होगा? जनरल इक्वेशन आप अपनी बुद्धि लगा के बोल सकते हो. तो ये जो इक्वेशन बना होगा 2s not sin kx plus 5y sin omega t plus phi 2 ये इक्वेशन में मतलब एक वेव जा रही होगी डिस्प्लेसमेंट वाली सपोज s not
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और दूसरा जा रहा होगा सपोज एस नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव आई टू। याद है आपको, याद है आपको हमने हमने कैसा इक्वेशन लिखा था? एक इक्वेशन लिखा था के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक लिखा था के एक्स प्लस ओमेगा टी, यू रिमेम्बर? और इसके साथ अगर मैं फाइव वन फाइव टू ना जोड़ू तो वो सब ओरिजिन से क्रॉस करते थे टी इक्वल टू जीरो में, जब हम स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग की बात करते, रिकॉलेक्ट? तो अब क्या हो जाएगा कि अब आपके पास जो ट्रैवलिंग वेव है वो ट्रैवलिंग वेव प्रेशर ट्रैवलिंग वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टू एस नॉट की जगह पे मैं डेल्टा पी नॉट पुट करूंगा विच इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन टू साइन, क्या ये हो जाएगा के एक्स प्लस फाइव वन प्लस पाई बाई टू जोड़ दूंगा, और दूसरे वाले में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू प्लस पाई बाई टू, फिर से पाई बाई टू एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज याद करो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता था एस नॉट, यू रिमेम्बर? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता था एस इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्रेशर वेव का इक्वेशन होता था डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट विच इज द प्रेशर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये इक्वेशन होता था। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव एंड प्रेशर ट्रैवलिंग वेव, इनकी इक्वेशन ऐसे होती थी। तो आप जब स्टैंडिंग वेव बनाओगे तो स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की बात करोगे तो एक वेव मीडियम में, मीडियम मान लो एयर है ये, एक वेव ऐसे जाएगी और एक वेव ऐसे आएगी। तो इस वेव का इक्वेशन मान लो आपने लिया S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ यू नो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस फाइव वन, और इधर से जो वेव आ रही है उसकी इक्वेशन हुई S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई टू। ये क्या वेव हुए? ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव है, ऑपोजिट एक्स में जा रहे हैं। तो ये दोनों के सुपर इम्पोजिशन के कारण जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव बनेगी। अभी अगर मैं प्रेशर स्टैंडिंग वेव की बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर भी जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, यही टफ पोर्शन है। इसके बाद बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, बहुत इजी सेक्शन है वो, हंसते खेलते करोगे तो, यही टफ सेक्शन है तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ क्या लिखूं मैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन प्लस पाई बाई टू होगा, क्या? क्योंकि जो प्रेशर वेव होता है, प्रेशर ट्रैवलिंग वेव होता है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव से पाई बाई टू का फेज डिफरेंस रहता है? सिमिलरली जो दूसरे साइड में आ रहा है के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू, क्या उसके साथ फिर से पाई बाई टू एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा? अब जब आप इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन करोगे ना तो आपको साइन, जो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मैंने वहां पर लिख के दिखाई थी, मैं फिर से जाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में। तो ये देखो प्रेशर स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन जो आपने देखा था ना, टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस फाइव वन प्लस पाई बाई टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव टू प्लस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू क्यों जुड़ा? क्योंकि दोनों इंडिविजुअल प्रेशर ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन में पाई बाई टू जुड़ गया था एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। आई होप यू गॉट दिस, क्या क्लैरिटी है ये? बोलो भाई लोग, क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, तो
ये आपका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब ये जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हुई, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बेसिकली, अभी देखो इसमें स्टैंडिंग वेव जो हमने पढ़ा, तो सवाल आता है कि अभी स्टैंडिंग वेव बनता किसमें है सर, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव तो हमें रस्सियों में बनते हुए दिखता था, करेक्ट। ट्रैवलिंग वेव सॉरी स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग हमें रस्सियों में बनता हुआ दिखता था। अभी ये जो स्टैंडिंग वेव जो साउंड वेव की है, ये कहाँ बनेगा सर? तो स्टैंडिंग वेव जो साउंड वेव की है, ये बनता है एक स्पेशल डिवाइस में, इसका नाम है ऑर्गन पाइप, जिसका नाम है ऑर्गन पाइप, आपने सुना होगा ऑर्गन पाइप, राइट। तो ऑर्गन पाइप में आपकी क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक डिवाइस में बनती है, इसका नाम है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ओपन। इनके बारे में दो तीन बातें बेसिक आपको सब याद होगा फॉर्मूला, क्विकली देखो। क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है, when we are speaking about closed organ pipe वो organ pipe है जिसका एक end close रहता है और एक end open रहता है, and open organ pipe वो organ pipe है जिनके दोनों ends open रहते हैं। तो पहला concept आपको ये समझना है कि closed और open organ pipe में basically आप सबसे पहले इसके अंदर एक sound wave generate करते हो, either displacement या प्रेशर। साउंड वेव जनरेट करते हो मतलब आप किस टाइप की वेव जनरेट करते हो? आप ट्रैवलिंग वेव जनरेट करते हो, और इसके लिए जो डिवाइस जनरली यूज किया जाता है वो डिवाइस होता है ये, आपने पक्का ये डिवाइस देखा होगा, इसका नाम है ट्यूनिंग फॉक। इसका नाम क्या है? ट्यूनिंग फॉक। तो ट्यूनिंग फॉक एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे और भी डिवाइस आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बट जनरली एक्सपेरिमेंटली लैब में जो अवेलेबल होता है वो बेसिकली ट्यूनिंग फॉक होता है, TUNING, एक एन गायब है वहां पे, लिख लीजिएगा ट्यूनिंग फॉक। तो बेसिकली आप ट्यूनिंग फॉक के प्रॉन्ग्स को ऑसिलेट करते हो और उसे यहाँ पे ले आते हो। तो जब आप उसे यहाँ ले आते हो तो यहाँ से कॉम्प्रेशन, रेयरिफैक्शन या डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर वेव ट्रेवल करती है, वो प्रेशर वेव आके यहाँ पे क्लोज्ड एंड से टकराती है और फिर वो रिटर्न जाती है। तो जब ये रिटर्न जाती है, ये जाने वाली वेव और ये आने वाली वेव, ये सुपर इम्पोज करके यहाँ पे इधर डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं या ये प्रेशर स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं। होप यू आर गेटिंग, ठीक है, यही होता है। सिमिलरली ओपन एंड में भी यही होता है कि आप जब ट्यूनिंग फॉक यहाँ पे रखोगे तो ट्यूनिंग फॉक के कारण यहाँ से एक वेव जाती है और इस एंड से एक वेव रिफ्लेक्ट भी होती है। अभी आप बोलोगे सर ये तो ओपन एंड है, रिफ्लेक्ट कैसे हुआ? रिफ्लेक्ट होता है भाई, तो बताया जाएगा कैसे। तो ये दोनों वेव फिर से जब यू नो सुपर इंपोज करते हैं, सो दे अगेन गिव इधर डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव और प्रेशर स्टैंडिंग वेव, मतलब दोनों ही बनते हैं। अब एक्सप्लेनेशन किसी एक के टर्म में भी पूछा जा सकता है या दोनों के टर्म में पूछा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बेसिकली। अब सवाल क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो जा रही है, ये जब किसी बाउंड्री से टकराती है तो ये कैसे बिहेव करती है? तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी बाउंड्री से टकराती है तो वो एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करती है एज कंपेयर्ड टू स्ट्रिंग में, जब कोई वेव जाता है और किसी बाउंड्री से टकराता है। आपको याद होगा कि जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो आपको ये बताया गया था, इसके सारे डेरिवेशंस भी करके आपको दिखाए गए थे कि स्ट्रिंग में अगर कोई वेव जा रहा है और वो एक डेंसर मीडियम से टकराता है तो उस केस में वो जब रिटर्न आता है तो वो रिटर्न आता है कुछ इस प्रकार, उल्टा होके रिटर्न आता है। यस और नो? उल्टा होके रिटर्न आता है, यू रिमेंबर दिस, राइट? आपको याद है ये। और अगर मैं फ्री एंड लूं तो फ्री एंड से मतलब यहाँ पे मान लीजिए आप एक रिंग है जो एक स्मूथ रॉड में मूव कर सकता है, तो उस केस में रिटर्न जो होता है वो रिटर्न वैसा ही होता है जैसे वो गया था। आई होप यू गॉट दिस, राइट? तो जब फिक्स बाउंड्री से ट्रैवलिंग वेव्स इन स्ट्रिंग जाती है तो जब टकराने के बाद वो उल्टा होके आता है, मतलब पाई का फेज डिफरेंस हो गया। लेकिन जब एक रेयरर मीडियम से टकराती है ट्रैवलिंग वेव्स इन स्ट्रिंग, तो जब वो रिटर्न आती है तो वो वैसी ही आती है जैसे वो गई थी। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट बिहेव करेगा। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लो
कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है मतलब साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव वुड बिहेव जस्ट अपोजिट, वुड बिहेव जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं जस्ट अपोजिट, आपको समझ जाना है जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, कि इसकी बिहेवियर जस्ट अपोजिट होगी एज कंपेयर टू वेव्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, टकरा ट्रैवल करने का तरीका क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग्स की बात करें तो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होता है, तो यहाँ पे एक क्रेस्ट था, क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। बट साउंड वेव में किस तरीके से प्रोपोगेट करती है आपकी एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। तो अगर मैं बोलूं कंप्रेशन जाके बाउंड्री को हिट कर रहा है, सपोज क्लोज्ड एंड है, सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, इट इज अ रिजिड बाउंड्री। तो अगर एक कंप्रेशन रिजिड बाउंड्री से टकराएगा, तो रिजिड बाउंड्री से टकराने के बाद कंप्रेशन वुड कम आउट एज कंप्रेशन, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा एज कंपेयर टू ट्रैवलिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। तो कंप्रेशन वुड कम बैक एज अ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन वुड कम एज अ रेरिफैक्शन, दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ओपन ऑर्गन पाइप लें, तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि साउंड वेव वुड बिहेव जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ What is the case with, you know, strings? तो अगर एक अगर एक rarefaction जा रहा है, मान लो rarefaction से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर एक rarefaction जा रहा है मान लो और वो boundary पे पहुंच गया, यहाँ पे boundary जो है ये वाली boundary है मान लो, this is the boundary। अभी आपको यहाँ पे एक और बात मैं समझा दूं जो कि conceptual point है, बच्चे को समझ में आनी चाहिए ये बात। देखो जब मैंने organ pipe लिया either open या closed, तो ऑर्गन पाइप के अंदर में जो मीडियम है गैस है, और ऑर्गन पाइप के बाहर जो गैस है, ये दोनों दो डिफरेंट मीडियम बन गई, दे आर टू डिफरेंट मीडियम्स, दे आर नॉट द सेम मीडियम। मतलब ऑर्गन पाइप ने ऑर्गन पाइप के अंदर वाले गैस और बाहर वाले गैस को दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में बांट दिया है, ऐसे मान लो। तो जो अंदर वाली एयर है ऑर्गन पाइप के, वो एयर अलग है और बाहर वाली एयर अलग है, ऐसा मानो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट्स से दिखाए हैं, अंदर वाली एयर अलग मीडियम है और बाहर वाली एयर अलग मीडियम। तो बेसिकली मान लो ओपन ऑर्गन पाइप में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन ट्रैवल कर रही है, और रेरिफैक्शन जाके बाउंड्री पे पहुंची, रेरिफैक्शन, तो रेरिफैक्शन जब बाउंड्री पे पहुंचती है, अब बाउंड्री के इस साइड में जो प्रेशर है, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे मान लो एक रेरिफैक्शन आया, इसके अंदर का जो मीडियम है उस मीडियम को मैं रेड से दिखा रहा हूं, यहां पे एक रेरिफैक्शन आ गया, मान लो रेरिफैक्शन आया है। तो रेरिफैक्शन जब आएगा, अभी दोनों मीडियम अलग है, रेरिफैक्शन जब आएगा, तो रेरिफैक्शन आया और बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। तो रेरिफैक्शन जैसे ही आया, बाहर का जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो देखा, अरे बाप रे रेरिफैक्शन है, देखो यहाँ पे प्रेशर कम है, तो उस जगह पे बहुत सारे ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स इम्पिंच कर जाते हैं, फोर्स कर जाते हैं, वहां पे बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। और इसीलिए एक रेरिफैक्शन जो है वो जब ओपन ऑर्गन पाइप के टकराता है बाउंड्री से, तो जब वो रिटर्न आता है तो वो एक कंप्रेशन बन के रिटर्न आता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, वो एक कंप्रेशन बन के रिटर्न आता है, और इससे आपको पता चलता है कि इसकी जो बिहेवियर साउंड वेव की, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ बाउंड्री, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ वेव्स इन स्ट्रिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? ये कॉन्सेप्ट है और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्गन पाइप की बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये समझ में आनी चाहिए आपको। तो अब ये कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में सेट है, अब सवाल ये आता है कि यू नो, तो क्लोज्ड हमने 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 स्टेशनरी वेव देख ली, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव देख ली एंड प्रेशर स्टैंडिंग वेव देख ली, ऑर्गन पाइप में ये कैसे बिहेव करते हैं वो देख लिया। अब कॉन्सेप्ट आता है कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज क्या होती, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और जो आपको एकदम समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करूं, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये वाला जो है, दिस इज अ फिक्स्ड बाउंड्री,
तो फिक्स्ड बाउंड्री पे कुछ बेसिक बातें, राइट, एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट आ जाएगी और आप खुद सब कुछ कर सकते हो खटाखट, फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो फिक्स्ड बाउंड्री है, समझिएगा, ये फिक्स्ड बाउंड्री पे क्या जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी बिकॉज ऑफ फिक्स्ड बाउंड्री। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मतलब फिक्स्ड बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट वेव का क्या बनेगा, नोड। डिस्प्लेसमेंट वेव का फिक्स्ड बाउंड्री पे क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेव का, डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव का फिक्स्ड बाउंड्री पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। और प्रेशर का, अगर डिस्प्लेसमेंट का नोड बना तो प्रेशर स्टैंडिंग वेव का क्या बनेगा, एंटी नोड। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक।